नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच मामला और हुआ पेचीदा। व्हील चेयर पर हाईकोर्ट में पेश हुए सीएस राजीव महेश्वरी। जम्मू कश्मीर में हुई भयानक त्रासदी को लेकर भाजयुमो की नई पहल। सहायता राशि एकत्रित करने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का किया आगाज। और दादी का फाटक रेल ओवरब्रिज जल्द किया जाएगा आमजन को समर्पित। जनता को मिलेगी यातायात में सुगमता। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के 10 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के इस्तीफे के बाद न्यायिक अधिकारी और वकीलों के बीच मामला सुलझने के बजाय और पेचीदा हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के बार बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हो रहे मुख्य सचिव राजीव महेश्वरी आखिरकार शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश हो गए। स्वास्थ्य कारणों से पेश नहीं होने का हवाला देने वाले मुख्य सचिव यहां व्हीलचेयर में हाजिर हुए। महेश्वरी ने न्यायाधीश अजय रस्तोगी और जेके राका की खंडपीठ के समक्ष वकील हड़ताल के संबंध में सरकार का पक्ष रखा। दरअसल कोर्ट ने मुख्य सचिव के नहीं आने पर नाराजगी जताई थी और तल्ख तेवरों में कहा था कि अदालत के साथ लुक्का छिपी का खेल ना खेला जाए। अदालत ने मुख्य सचिव के शपथ पत्र के साथ पेश होने के निर्देश देते हुए चेताया भी था कि यदि वे शुक्रवार को पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने जवाब चाहा था कि सरकार ये स्पष्ट करे कि आखिर सरकार के वकील 2 महीने से पैरवी करने क्यों नहीं पहुंच रहे। साथ ही ये भी जानना चाहा था कि महाधिवक्ता से लेकर उपराज्य के अधिवक्ताओं के गैर हाजिर होने पर सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है और क्या प्रस्तावित है। महेश्वरी की दलीलों पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर मुकर्रर की है। उधर जजों की ओर से की गई टिप्पणी से सभी अतिरिक्त महाधिवक्ता आहत है। सभी ने अपने इस्तीफे सौंप कर अपनी नाराजगी को जाहिर भी कर दिया है। हालांकि अभी किसी भी अतिरिक्त महाधिवक्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन इस्तीफे सौंपने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की दलील है जजों को वरिष्ठ अधिवक्ताओं को काम पर लौटने की चेतावनी देने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सरकारी अधिवक्ताओं को लेकर सरकार से किया जा रहा जवाब तलब अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को नागवार गुजर रहा है। वकील हड़ताल के बीच हाईकोर्ट के इस सख्त रुख से नाराज होकर जोधपुर में 2 और जयपुर में 8 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं ने अपने पदों पर से इस्तीफे महाधिवक्ता को सौंप दिए हैं। वहीं एक अन्य अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने अपना इस्तीफा हाईकोर्ट के जरिए राज्यपाल को सौंप दिया है। डॉक्टर अभिनव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट को अधिवक्ताओं को हाजिर होने या नहीं होने के लिए चेतावनी देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले को लेकर किसी तरह का गतिरोध है तो अदालत को एक अलग से स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर सुनवाई करनी चाहिए। राज्यपाल के नाम अपना इस्तीफा सौंपने वाले डॉक्टर अभिनव शर्मा का ये भी कहना है कि हाईकोर्ट के जजों की ओर से सरकारी अधिवक्ताओं को हाजिर होने के लिए चेतावनी वाले रवैये से उनकी भावनाएं आहत हुई है। एक मेरे अपवाद को छोड़कर के बाकी सबने महाधिवक्ताओं को अपना इस्तीफा सौंपा है, क्योंकि वो बार के अध्यक्ष होते हैं, सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं स्टेट के, उनको दिया है ताकि वो सरकार को आगे फॉरवर्ड करें। मैंने अपना इस्तीफा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजने के लिए कोर्ट के सामने पेश किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर दिया। मेरा कोर्ट से विमत था इस चीज़ के ऊपर के जो पिछले दिनों में जुडिशियल ऑर्डर्स के माध्यम से महाधिवक्ता के कार्यालय के ऊपर टिप्पणी की गई वो उचित नहीं थी। एक संवैधानिक संस्था द्वारा दूसरे संवैधानिक निकाय के ऊपर अनावश्यक टिप्पणियां मौखिक रूप से किया जाना उचित नहीं है। मेरा ये कहना था कोर्ट के सामने कि यदि न्यायपालिका ये आवश्यक समझती है कि एडवोकेट जनरल के रोल पे और सरकारी अधिवक्ताओं के रोल पर डिस्कस होना चाहिए तो इसके लिए एक सेपरेट प्रोसीडिंग ड्रॉ की जाए, राज्य सरकार को उसकी प्रोसीडिंग्स की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। एक सेपरेट सुओ मोटो रिट पिटीशन के लिए भी मैंने कल खंडपीठ संख्या 2 के समक्ष निवेदन किया था। मैंने कहा था आप स्वयं स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर के एक अलग रिट पिटीशन ड्रॉ करें, राज्य सरकार से भी पूछें कि जो राज्य के सरकारी वकील हैं उनका क्या रोल होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी पूछिए और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से भी पूछिए। मैंने न्यायालय को ये बताने का प्रयास किया था कि धारा 16 अधिवक्ता अधिनियम जो बना हुआ है, जिसके तहत एडवोकेट रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें 2 ही प्रकार के अधिवक्ताओं की कैटेगरी है, एक सीनियर एडवोकेट होते हैं, दूसरे साधारण एडवोकेट होते हैं, और जो सीनियर एडवोकेट हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डेजिग्नेटेड सीनियर होते हैं। यदि न्यायालय इस बात पर गंभीर है कि वकील हड़ताल पर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे बहुत से सीनियर एडवोकेट्स हैं जो कि फीस लेने के बावजूद कोर्टों में पैरवी नहीं कर रहे हैं,
माननीय न्यायालय को चाहिए कि फुल कोर्ट की बैठक करके उनको स्पष्टीकरण का अवसर देकर के ऐसे सीनियर्स को स्ट्रिप ऑफ करे, वापस से उन्हें साधारण वकील बना दे और उनको चेतावनी दे कि यदि वे हड़ताल में शामिल होंगे तो उनको सीनियर नहीं रहने दिया जाएगा। ये तो विधि सम्मत आदेश होगा, लेकिन यदि न्यायालय द्वारा यह पूछा जाता है कि ये गवर्नमेंट एडवोकेट और नॉन गवर्नमेंट एडवोकेट की एक क्लास क्रिएट की जाती है किसी ऑर्डर से, तो वो एक इल्लीगल ऑर्डर होगा। मैंने कोर्ट को केवल इतना चेताने की कोशिश की कि उस ऑर्डर की चुनौती देना या नहीं देना ये राज्य सरकार का या जिस भी लिटिगेंट के केस में वो आदेश पारित हो रहे हैं उनका काम है, किंतु मेरा स्पष्ट मत था। मैंने न्यायाधीश महोदय को भी यही कहा कि मैं ये चाहता हूँ न्यायपालिका के कोई भी आदेश किसी भी, हम एक दूसरे का सम्मान रखें। न्यायपालिका और कार्यपालिका की अपनी अपनी शक्तियां हैं, कार्यपालिका के अधिवक्ताओं को नियुक्त करने की उसकी शक्ति है, उसने एक पैनल बनाया है, एग्जीक्यूटिव ने, राजस्थान सरकार ने एक पैनल बनाया है। उस पैनल पर जो लॉयर्स हैं उनको वो फोर्स नहीं कर सकते हैं अपियर होने के लिए। जो स्वेच्छा से आ रहे हैं, मैं अपियर हो रहा हूँ, कई प्रकरणों में अपियर हुआ हूँ, अगर हम स्वेच्छा से आ रहे हैं हम आ रहे हैं, लेकिन यदि कोई अधिवक्ता नहीं आना चाहता है, सरकार की पैरवी छोड़ देना चाहता है या किसी और रीजन से जो भी चल रहे हैं हड़ताल में शामिल है या किसी भी अन्य कारण से नहीं आना चाहता, ये उनका मत है, राज्य सरकार उनको बाध्य नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर के त्रासदी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहल की है और राजधानी जयपुर में सहायता राशि एकत्रित करने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज किया है। जयपुर के बापू नगर से युवा कार्यकर्ताओं ने अभियान का आगाज किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आमजन और व्यापारियों से सहायता राशि एकत्रित की। ये अभियान जयपुर शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का 2 दिन तक चलेगा, जिसके बाद एकत्रित राशि को जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा जाएगा। अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के जयपुर शहर अध्यक्ष संजय जैन और भारतीय जनता युवा मोर्चा जयपुर शहर अध्यक्ष राजेश टिकीवाल ने किया। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये युवा मोर्चा का अग्रणी संगठन है, उसने पूरे देश भर के अंदर आज ये अभियान 2 दिन के लिए चालू किया कि जो राष्ट्रीय आपदा जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देश के ऊपर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक हमारा विशेष राज्य है उसके ऊपर जो आपदा आई है कि बाढ़ की आपदा है, बहुत भीषण बाढ़ है, बहुत भारी तबाही मची है, जनता को हर प्रकार की वहाँ सहायता की आवश्यकता है। हम उनसे दूर के राज्य हैं इसलिए हम वहाँ पर आर्थिक सहायता ही सबसे उपयुक्त समझते हैं, इसलिए हमारे प्रदेश से पूरे प्रदेश के अंदर आज 2 दिन युवा मोर्चा ने यह अभियान चलाया है। इसके अंदर एक एक घर जाकर, एक एक दुकान पर जाकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता धन का संग्रहण करेंगे। 2 दिन पश्चात ये राशि प्रदेश कार्यालय के अंदर एक जगह सामूहिक रूप से एकत्रित कर बाढ़ पीड़ित सहायतार्थ के लिए जम्मू कश्मीर भेजी जाएगी, जिससे वहाँ की जनता को जो सहायता के अंदर पार्टी की तरफ से भी जो योगदान बन सकता है उसके अंदर पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है और जिस भी प्रकार की आवश्यकता सरकार, वहाँ की लोकल सरकार, केंद्र की सरकार कहीं भी समझेगी, हमारा कार्यकर्ता हर स्थिति से स्वेच्छा से वहाँ पर जाकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए भी तैयार है और जो भी सहयोग हमसे चाहिएगा हम उस सब के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हैं। आज जयपुर शहर युवा मोर्चा ने जयपुर में जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए, सहायता कोष के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जयपुर की सड़कों पर निकले हैं। इसमें आम जनता से, व्यापारियों से आग्रह किया जाएगा कि बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए इसमें सहायता कोष हमें दें, जिससे सहायता कोष हम हमारी वसुंधरा जी के माध्यम से प्रधानमंत्री राहत ये फंड वहाँ जाए, लोगों में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए राशि पहुँचाई जा सके। और युवा मोर्चा जयपुर शहर में आज और कल मंडल शहर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रेलवे की साझेदारी से निर्मित दादी का फाटक रेल ओवरब्रिज जल्द ही आमजन को समर्पित किया जाएगा। इससे निवारू रोड से बैनार्ड रोड व झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र सहित अनेक कॉलोनियों के लोगों को रेल फाटक बार बार बंद होने की समस्या से निजात मिलेगी। इस ROB के निर्माण पर 41.64 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की गई है। JDA आयुक्त शिखर अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि इस महत्वपूर्ण ROB को शुरू करने से पूर्व शेष रहे सभी छोटे मोटे कार्य निपटा लिए जाए ताकि आम जन को सुगम यातायात का लाभ मिल सके। जयपुर सीकर रेलवे लाइन पर LC 79 पर स्थित दादी का फाटक क्षेत्र में रेलवे फाटक कम अवधि में बार बार बंद होने से आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में बसी आवासीय कॉलोनियों के बाशिंदों को जाम लगने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आमजन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात सुलभ कराने के उद्देश्य से ही JDA ने रेलवे के साथ कॉस्ट शेयरिंग आधार पर इस रेल ओवरब्रिज का निर्माण करवाया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com.
whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पैसे नहीं निकलने पर मदद करने के बहाने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी से नकदी निकालने की वारदातें आम हो गई है। सांगानेर थाना इलाके में एक छात्रा का एटीएम बदलकर खाते से 2.5 लाख से अधिक की नकदी निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जगदीश नारायण पुत्र गणेश नारायण निवासी चांदपुर ज्यादा नियर समता टेलर उदयपुर ने सांगानेर थाने में मामला दर्ज कराया है कि उसकी बेटी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग कोर्स कर रही है और यहां सांगानेर में पीजी में अपनी सहेलियों के साथ रहती है। युवती के पास अपने पिता का एटीएम था। जब भी उसे जरूरत पड़ती थी वह पिता के खाते से खर्चे के लिए पैसे निकालती थी। 3 सितंबर को छात्रा अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने गई थी। पैसे कम पड़ने पर वह इंडिया गेट सहित SBBJ के ATM पर गई। पैसे नहीं निकलने पर पास ही खड़े एक युवक ने छात्रा से मदद करने की कही और ATM कार्ड लेकर पैसे निकालकर उसे दे दिए। इसी दौरान उसने ATM बदल दिया। छात्रा के पिता ने बताया कि 3 सितंबर से 7 सितंबर के बीच किसी ने उसके खाते से 2,63,000 रुपये निकाल लिए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जाँच पड़ताल कर रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से 13 से 14 सितंबर को मानविकी पीठ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में उच्च शिक्षा में नियामक तंत्र विषय पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी। शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर JP सिंघल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्राचीन काल से ही भारत में उच्च शिक्षा की गौरवशाली परंपरा रही है। शिक्षा व्यवस्था को राज्य का संरक्षण अवश्य प्राप्त था, परंतु वह उसके हस्तक्षेप एवं प्रभाव से मुक्त थी। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय कार्यशाला में देश भर से करीब 500 से अधिक विद्वान प्रोफेसर चर्चा पत्र वाचन करेंगे। उच्च शिक्षा में नियामक तंत्र पर एक 2 दिवसीय परसंवाद, राष्ट्रीय परसंवाद आयोजित हो रहा है, जिसके उद्घाटन समारोह में राजस्थान प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगी और पंचायती राज मंत्री माननीय गुलाबचंद कटारिया जी अतिथि के रूप में रहेंगे। 2 दिन में 5 विषयों पर 5 तकनीकी सत्र रखे गए हैं, जिनमें अनेक जो पेपर हैं, जो लेख आए हैं, उन लेखों के जो लिखने वाले हैं वो अपना पत्र वाचन करेंगे और प्रत्येक सत्र के बाद क्या जानकारी उसका सार निकलता है इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। 5 सत्रों के पूरा होने के बाद अंतिम जो है वो समारोह कार्यक्रम है। समारोह कार्यक्रम 14 तारीख को 3 बजे प्रारंभ होगा और मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी उसकी मुख्य अतिथि होंगी और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कालीचंद सराबजी उसके अतिथि होंगे। ये कार्यक्रम 2 दिवस चलेगा। 2 दिवस के बाद एक डॉक्यूमेंट इस तंत्र के ऊपर तैयार किया जाएगा और उसे शासन को सौंपा जाएगा, इस आग्रह के साथ कि इस तंत्र में जो बातें हमने सुझाव के रूप में दी हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयत्न किया जाए। बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विद्यालय प्रबंधन समितियों का सहयोग जरूरी है, ताकि बालकों में सुरक्षा की भावना विकसित कर उनका चहुंमुखी व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह बात आज OTS सभागार में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग नई दिल्ली एवं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका
विषय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग गुरजोत कौर ने कही। उन्होंने कहा कि बालक जब 6 वर्ष से अधिक का होता है तब से ही वह विद्यालय प्रबंधन समिति के संरक्षण में आ जाता है। बालक का अधिकार केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होता बल्कि उसको पोषण का अधिकार, खेल का अधिकार, स्कूल में दंड से सुरक्षा का अधिकार, लैंगिक सुरक्षा का अधिकार आदि भी बालकों के अधिकार होते हैं और इन सभी अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का सहयोग अपेक्षित है। कार्यक्रम में निदेशक महिला अधिकारिता विभाग श्रीमती राजेश यादव, अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद बीपी तोमर, उपायुक्त नीतू बारूपाल, न्यायिक विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यगण, यूनिसेफ के विषय विशेषज्ञ, चिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पुलिस विभाग, जेल विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बाल अधिकारियों पर चर्चा की। एक कार्य बहुत आवश्यक है, जैसा कि हमारे मेंबर श्री सुदीप गोयल कह चुके हैं कि हम बच्चों के भविष्य को की जब बात करते हैं तो अपने वर्तमान की भी बात करते हैं, तो ये इस इशू के महत्व के लिए तो ज़्यादा कुछ कहने की मेरे ख्याल आवश्यकता नहीं है, परंतु इसमें करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत आयाम है जिन पर काम करना आवश्यक है। बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक पहल करके पूरे चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन के इशू के ऊपर जो स्टेट मैनेजमेंट कमेटी है जिनके ऑब्जर्वेशन में, पर्यवेक्षण में बच्चे 6 साल के बाद एक तरीके से रहते हैं, तो सोसाइटी के एक इस इन्वॉल्वमेंट के लिए उन्होंने पहल की है और मुझे खुशी है कि शिक्षा विभाग ने इसमें हमारा पूरा साथ दिया है और पूरा इनिशिएटिव लेकर इस वर्कशॉप को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। चाइल्ड अब्यूज़ के लिए बहुत से अधिनियम ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस हैं। बाल अधिकार आयोग अलग से जब कोई केस नोटिस में आता है तो उसको संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करता है, परंतु स्टेट के जितने ऑर्गन्स हैं, बेशक वो पुलिस हो या स्कूल मैनेजमेंट हो, जिस भी किसी के क्षेत्र में या जिसकी किसी नॉलेज में ये बात आती है तो वो भी उस पर कार्रवाई करते हैं। इस पर काफ़ी कार्रवाई पूर्व में भी बाल अधिकारिता आयोग ने की है। दुर्व्यवहार होता है उसकी कॉर्पोरल पनिशमेंट की गाइडलाइंस बाल अधिकार आयोग ने बनाई है और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा नोटिफाई भी हो चुकी है। जो बच्चे विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के अंदर में रहते हैं उनके साथ में जो शोषण होता है उसकी भी गाइडलाइंस बन चुकी है। साथ में जो पॉक्सो एक्ट, जो लैंगिक अपराध जो होते हैं बच्चों के नेगलेक्ट के, उसके लिए उसमें हमें बताते हैं बड़ी खुशी है कि बाल अधिकार आयोग ने सभी पुलिस के साथ में, जुडिशियल के साथ में सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप की है और राजस्थान पॉक्सो के अंदर में अभी नंबर 1 स्टेट है पूरी कंट्री में, जहाँ पर कि पॉक्सो के एक्ट यानी कि लैंगिक अपराधों के ऊपर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। कन्विक्शंस भी हुए हैं, सजाएं भी हुई हैं लोगों को और जल्दी फैसले भी हो रहे हैं। तो अब्यूज के लिए जितने भी मामले आ रहे हैं उसके ऊपर बाल अधिकार आयोग, राजस्थान सरकार काफी सेंसिटिव। वो मुख्य तौर पर यही रहेगा कि पब्लिक का, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कितना है और उनमें एक जागरूकता इस तरह की लानी पड़ेगी कि बच्चे के अंदर बिहेवियर में जरा सा भी कोई चेंज आता है तो हम लोगों को तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक सभी का, समाज के अंदर मैं समझता हूँ सभी का दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के ऊपर, स्वयं का बच्चा मानकर अगर चलेंगे तो निश्चित मैं समझता हूँ कि हम काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया फॉर एनिमल्स जयपुर के होटल क्लार्क आमेर में आयोजित की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, डॉग्स ट्रस्ट ब्रिटेन और कंपेंशन इन वर्ल्ड फार्मिंग के सहयोग से किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और विदेशों में से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। एक प्रेस वार्ता में एरिका एब्राहिम, डीआर मेहता व अंजलि गोपालन ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में पशुओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आधारित कार्यशालाएं, पैनल डिस्कशंस, डिबेट और स्मॉल ब्रेकआउट सेशंस होंगे। आखिरी दिन मेनका गांधी द्वारा 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा। भारत में पालतू हाथियों पर आधारित पैनल डिस्कशन होगा। The artificial creation of an appetite by marketing people that did not exist previously probably has something to do with increased meat consumption, and that's why activists working together to try to raise awareness about the impact of meat eating on the environment, on our human health, and on the cruelty of animals is such a wonderful way of the Federation bringing together small groups to work on a gigantic problem, because there are
crores and crores being spent by the industry, by the dairy industry, and by the related tangential brother industry that is the meat and leather industry, to increase the community and the country's appetite for these animal products. So it's our pleasure to try to work with those who are trying to inform people about what the devastating effects are of consuming animal products. उसके बाद संभावना लगती है कि प्रस्ताव पास होगा, इसमें कहा जाएगा जो आपने कहा कि मीट एक्सपोर्ट बंद नहीं हो, कोशिश करेंगे बंद हो, बंद नहीं हो तो कम से कम सीमित हो. प्रधानमंत्री जी ने खुद ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और दुर्भाग्यवश ये तो दो तो अच्छा है, अब पिंक रिवॉल्यूशन आ रहा है तो उसको रोकना है. तो वो भी उनको याद दिलाएंगे, हाँ, कि ये कहेंगे कि ये हत्या का काम है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है. इसमें लिखा है कि करुणा हो, संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी हो. तो उसके और आपने जो बात कही अरिका जी ने वो कही कि ये सारा जो काम है ये पाश्चात्य देशों की नकल है. वहाँ मार्केटिंग के लोग जानबूझकर मीट की जो मांग है उसको बढ़वाते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट लाते हैं. और आपने देखा अभी कुछ हफ्ते दस दिन पहले कि फ्रांस के सबसे बड़े चेन में मैकडोनल्ड की तरह फ्रांस की एक चेन है फूड चेन, उन्होंने उसका जो मालिक है उसने सारे अपने जितने केंद्र हैं दुनिया भर में सब जगह मीट बंद कर दिया. क्योंकि ट्रेनिंग और आदान प्रदान पे फोकस्ड हैं. हमारे बहुत सारे रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं भारत से और विदेशों से, जो कि हमें अलग अलग स्किल्स और अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे हमारे साथ. बहुत इंटरेस्टिंग इसमें हमने इस बार ये किया है कि हमने कुछ पुरस्कार, कुछ अवार्ड्स रखे हैं. जो भी उत्तीर्ण काम किया है पशु रक्षा कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों जिन्होंने किसी तरह से पशुओं की मदद की हो, चाहे वो ऐसे कार्यकर्ता हों जिन्होंने कुछ क्रूरता होते हुए देखा और उसको रोका हो, चाहे वो ऐसे लोग हों जिन्होंने प्रचार प्रसार किया हो, इस प्रकार के कई सारे अवार्ड्स जो हैं वो 13 तारीख शाम को दिए जाएंगे. प्रदेश में बास्केटबॉल का भरपूर टैलेंट है, बस जरूरत है तो उसे निखारने की, ये कहना है बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जगदीप सिंह पैंस का. सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेली जा रही बास्केटबॉल चैंपियनशिप के दौरान राजधानी जयपुर पहुंचे जगदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपने अनुभव शेयर करने के साथ बास्केटबॉल प्रतिभाओं से जुड़े सवालों पर अपनी बेबाक राय रखी. बास्केटबॉल की कई अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके जगदीप सिंह बैंस फिलहाल चोटिल होने के कारण कोरिया में होने वाली एशियन गेम्स में भाग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मूल रूप से गंगानगर के रहने वाले जगदीप सिंह इससे पहले करीब 30 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इनमें एशियाड और कॉमनवेल्थ जैसी बड़ी चैंपियनशिप्स भी शामिल है. लंबी चौड़ी काठी के इस अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का मानना है कि प्रदेश में बास्केटबॉल के टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन बास्केटबॉल के घरेलू आयोजनों में कमी के चलते स्थानीय प्रतिभाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाता, लिहाजा प्रतिभाएं दबी रह जाती है. जगदीप सिंह के मुताबिक जब तक खेल संघों के अलावा स्पॉन्सर बास्केटबॉल खेल के आयोजनों को लेकर गंभीर नहीं होने, तब तक इस खेल में स्थानीय प्रतिभाओं का भविष्य अधर झूल में ही रहेगा. उन्होंने स्कूल स्तर पर बास्केटबॉल प्रतिभाएं तैयार करने की भी जरूरत जताई है. अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी जगदीप सिंह यहां एसएमएस स्टेडियम में खेली जा रही बास्केटबॉल चैंपियनशिप में मौजूद रहे. उन्होंने यहां के खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी की. दरअसल अनफिट होने की वजह से जगदीप सिंह कोरिया में होने वाले एशियाड में भारतीय टीम का साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भारतीय टीम एशियाड में पदक लेकर आएगी. यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे यहाँ प्लेयरों को देखा मैंने खेलते हैं, एक दो प्लेयर है जैसे अभी बताया था वो जूनियर इंडिया खेल के आए हैं तो वो भी अच्छा खेल रहे हैं. टैलेंट जैसे पहले भी बताया बस एक चीज़ की कमी है, टैलेंट तो सब कुछ है इनके पास, सिर्फ फेडरेशन को यही चाहिए अगर जितना इनको स्पॉन्सर दिला सकते हैं उतना इनको दिलाओ और बाहर जाके खेलने
खेलने, जैसे यहाँ एक आधा टूर्नामेंट यहाँ खेला, जैसे पूरी इंडिया में होते हैं, जैसे साउथ में होते हैं, पंजाब में होते हैं, तो वहाँ भी इनको पार्टिसिपेशन करना चाहिए, वहाँ जाके खेल लें तो इसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि जैसे एक दो प्लेयर हैं नेशनल खेले, सिलेक्शन होगी इंडिया टीम में, वो तो ठीक है, पर बाकी जो दूसरे प्लेयर हैं उनको तो कुछ नहीं मिला ना, इसलिए उनको टूर्नामेंट बहुत जरूरी है। राजस्थान के जितने भी प्लेयर हैं, जैसे जो भी बास्केटबॉल के मान लो जैसे नेशनल में खेलने, तो फिटनेस सबसे ज़्यादा फिट यही होते हैं, पर सिर्फ कमी इनके एक्सपीरियंस की, जो यहाँ जैसे टूर्नामेंट इनको नहीं मिलते, और जैसे वहाँ हैं जैसे अलग अलग टूर्नामेंट खेलते रहते हैं, जैसे बॉम्बे में दो चार टूर्नामेंट होते हैं, साउथ में और जैसे पंजाब में, उनके साथ खेलने उनको एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए इनको एक्सपीरियंस के कारण ही इनको कमी है, बाकी और कोई कमी नहीं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच मामला और हुआ पेचीदा, व्हील चेयर पर हाईकोर्ट के पेश हुए सीएस राजीव महेश्वरी। जम्मू कश्मीर में हुई भयानक त्रासदी को लेकर भाजयुमो की नई पहल, सहायता राशि एकत्रित करने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का किया आगाज। और दादी का फाटक रेल ओवरब्रिज जल्द किया जाएगा आमजन को समर्पित, जनता को मिलेगी यातायात में सुगमता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।